सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग प्रेजेंट है सिलीगुड़ी में, और फिलहाल अभी हम लोग बुआ के घर पे नहीं है, अभी हम लोग खुद के रूम पे है। तो अभी हम लोग को जाना है मंजू बुआ के घर, क्योंकि हम आज प्लान कर रहे हैं कि आज हम उनके घर पे खाना खाएंगे। तो गाइस, आज दो काम करना है। एक तो मुझे मेरी आगरी खानी है, ये वाली काफ़ी रेड हो गई है, मतलब काफ़ी दिनों से रेड है। मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ तो बहुत बेकार लगता है देखने में, तो हाँ गाइस, तो आज इसकी दिखा देंगे। एक और काम है कि बुआ ने न्यू स्कूटी लिया था, तो उसका भी टाइम हो गया है अपनी सर्विसिंग का, तो वो भी जाकर आज सर्विसिंग के लिए दे देते हैं उसको। तो आज ये दो काम कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:26, और गाइस सुबह में आया तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के मतलब वो रेडी हो गया, निकल जाता है। और आज तो लेट हो गया था, उसको भी 8 बजे निकला, 8 बजे उठा था, और फिर उसको उसका 9 बजे ऑफिस रहता है, तो वो भी निकल गया। ये रहा शिवम, अभी अभी मुंह धोया है सुबह से, इसको बोल रहा हूँ मुंह धोने के लिए, अब भी जस्ट नहाया भी नहीं है ये। एंड तू भी नहीं नहाया, चल मेरे को बोल रहा है। मैं कल नहाया था, ठीक है, कल नहाया था, मतलब क्या आज नहीं नहाएगा। और गाइस, ये है आदर्श, ये कल रात को हमारे घर पे आ गया था। तो आदर्श से हाय टू कैमरा, कैसे हो? हाय, बढ़िया हूँ मैं। ओके, तो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं अभी, ठीक है। तो हम तीन प्लान किए थे कि हम खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे, बट कोई नहीं, आज चलते हैं इसकी मम्मी मंजू बुआ के हाथ से आज खाना खा लेते हैं। तो गाइस अभी निकलते हैं फटाफट से, अभी आगे लेके। तो गाइस अभी मेरे को जाना है ATM, सबसे पहले पैसा निकालना है क्योंकि अभी पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग बुआ के घर पे पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं बुआ से। बुआ कहाँ पर है? बुआ, अरे छुप क्यों रहे बुआ, अरे आशीर्वाद दे दो, प्रणाम। तो गाइस बुआ से मिल लिए, और अभी फटाफट खाना खाना है, और अभी दो काम है फटाफट। बुआ का जो स्कूटी है उसको अभी लेके जाना है सर्विसिंग के लिए, और अभी और आँख भी दिखाना है क्योंकि काफी जलन हो रही है आँख में, तो वो भी दिखा देंगे आपको। एक और आदमी से मिलाते हैं। ये सब नाटक हो रहा है सोने का। वेयर इज योर फोन? मेरे आते ही फोन फेंका गया है। गाइस अभी फोन को छूते ही पता चल जाएगा हीटिंग से। ओके, सो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बुआ का स्कूटी लेकर, जा रहे हैं इसका सर्विसिंग कराना है, और मेरा आँख भी दिखाना है। तो गाइस चल के पहले ये फटाफट काम करते हैं। एंड मैं अपना माइक लेना भूल गया, वरना मैं आज आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग भी करके दिखाता। माइक मैं शायद घर पे भूल गया कि हाशिवा में भूल गया, मैं कंफ्यूज हूँ। और गाइस यहाँ देखो यार, यहाँ पर बुआ स्कूटी निकाल रही है, तो इनके भी न्यू स्कूटी है ना, छोटी बच्ची हो क्या? अभी देखना गाइस कैसे रोकती है, पैर से रोकेगी। देखा बुआ पैर क्यों लगाते हैं, बुआ बिना पैर लगाए रोको ना। देखो रोक रहे, ब्रेक मारो, पैर नीचे रख दो, वरना पत्थर कहीं होगा ना, लग जाएगा आपके पैर में। चलो ठीक है, चला के दिखाओ। देखो गाइस छोटी बच्ची हो गई, देखो भाई तुम कॉन्फिडेंस में चलाओ, देख लो अभी आगे चल के कैसे। तो गाइस अभी मेरे साथ मैं और आदित जा रहे हैं, क्योंकि इसको भी अपना आँख दिखाना है, और इसके भी आँख से पानी गिरता है तो ये भी दिखाएगा, और मेरा आँख तो रेड हो गया है, मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो वहाँ गाइस अभी फटाफट निकलते हैं हम दोनों। सब फोन तो ऐसा मम्मी का बोल रहा है। अभी बुआ से पूछेंगे ना, बुआ ये क्यों हुआ ऐसा रेड, उनका जवाब सुनना। इनका ये न्यू स्कूटी है, तो ये इसका सर्विसिंग करवाना है, और यहाँ पर मैट भी लगवाना है, ये सब लगवाना है। अच्छा, वो यहाँ पर क्रोम, इसका आँख से पानी क्यों गिरता है, रीजन क्या है? दिन भर जो मोबाइल देखेगा तो क्या? ओके, सो गाइस अभी निकलते हैं फटाफट, मैंने स्कूटी स्टार्ट कर दिया है, अभी निकलते हैं फटाफट। पता है लेकिन स्कूटी में ट्रैवल करके बहुत मजा आता है। अगर मेरे पास माइक होता ना गाइस, मैं मोटो ब्लॉगिंग करता पूरा रास्ता भर, बट कोई नहीं, मेरे साथ भाई है तो फोन वो पकड़ लेगा। ओके सो गाइस देखो, अभी माइक तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन भाई फोन पकड़ रहा है। यहाँ से दिशा ज़्यादा दूर है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दिशा स्कूटी का सर्विसिंग के लिए। तो गाइस देख सकते हो हम लोग दिशा पहुंच चुके हैं, तो अभी फटाफट जाते हैं। पहले दिशा में स्कूटी कहाँ रखे, उतरना एक बार। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिशा, और फटाफट अपने आँख दिखाते हैं। सच में अभी काफ़ी जलन स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट अभी आँख दिखाता हूँ। और हमने स्कूटी अपना यहाँ पर पार्क कर दिया है, और गाइस अभी दिशा जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्या। मुझे लग रहा है कि चश्मा ना लगा दें, मेरे को चश्मा से बहुत डर लगता है भाई। अभी 10 रुपये लग गया मास्क में, तो फिर से हम लोग दिशा में एंटर कर रहे हैं, ये दूसरी बार होगी। अब यहाँ पर फटाफट जाओ, फटाफट बोलो पहले। तो
गाइस अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जब बुलाएंगे फिर जाएंगे हम लोग, देखते हैं क्या होगा। गाजर खाओ नज़र बचाओ, तो आप लोग भी गाजर खाते रहो। तो गाइस अभी 1% और है, इसके बाद फिर हमारा टर्न होगा, फिर हम लोग जाएंगे, देखते हैं कि क्या बोलता है। आईज रेड क्यों है, कहीं चश्मा ना लग जाए, उसी चीज़ का डर है, ना बाकी सब तो ठीक है। तो गाइस अभी वो अंकल जी अब वो निकलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। गाइस हम लोग दिशा से निकल चुके हैं, और गाइस ये देखो हमारा जो बिल बना है ना, दवाई का लगा है 267, और जो एंट्री फीस था, जो डॉक्टर फीस था, वो 250 लगा था, ठीक है। तो मतलब टोटल जो खर्च आया है वो 500 से ऊपर ही आया है। तो हाँ गाइस यहाँ पर हमें मेडिसिन भी मिल गया है, तो फटाफट अब पूरा का स्कूटी जो है इसका हमें सर्विसिंग कराना है। तो घर पहुँच कर मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या प्रोसेस है आइज में। रीज़न ये बताया कि वहाँ एलर्जी हुआ है, तो बोला कि ये सब डालो ठीक हो जाएगा। तो हाँ गाइस हो जाएगा बढ़िया, अभी फटाफट निकलते हैं, और अभी टाइम हो गया ये सब में 5 बज रहा है, लिटरली 5, तो फटाफट निकलते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हीरो होंडा के शोरूम में। तो गाइस ये रहा स्कूटी और ये रहा शोरूम। तो जो हमारी फूफा जी है वो यही काम करते हैं, तो अभी उनको बुलाते हैं, फिर सर्विसिंग के लिए देते हैं, तो इसका काम ख़त्म करके फिर निकलेंगे हम लोग। गाइस अभी बुलाते हैं, ठीक है चलो। गाइस ये चेकआउट करें, स्कूटी ही स्कूटी बाइक। और गाइस ये रहे हमारे फूफा जी आ चुके हैं। फूफा जी से हाई टू कैमरा, से हाई टू कैमरा। तो गाइस फूफा जी से मिल लिए, अभी फटाफट स्कूटी का सर्विसिंग करवाते हैं, और इसका नंबर प्लेट भी आ चुका है, तो इसका नंबर प्लेट भी लगवाना है। ओके सो गाइस अभी तो स्कूटी का सर्विसिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लेबर वगैरह है वो लोग अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग मंडे को आएंगे तब हो जाएगा। तो अभी फटाफट अभी गाइस निकलते हैं, काफ़ी लेट भी हो गया, मतलब 5 बज गया है लिटरली गाइस। नहीं 6 बजने वाला है, 15 मिनट कम है। तो गाइस अभी फूफा को बाय बोलते हैं, ठीक है फूफा प्रणाम। तो गाइस अभी निकलते हैं, फूफा से भी मिल लिए काफ़ी दिनों बाद, कब बहुत अच्छा लगा। तो अभी निकलते हैं और मंडे को आएंगे फिर से, इसका सर्विसिंग तो फिलहाल नहीं हो पाया, तो इसका फिर नंबर प्लेट भी तभी लगेगा। सो हे गाइस मैं भी फिलहाल मंजू भाई के घर पे हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 7:29 एंड सो हाय गाइस। तो मंजू भाई का सर्विसिंग तो आज नहीं हो पाया, लेकिन ये अच्छा हुआ कि दिशा में मेरा आँख मैंने दिखा लिया आज फाइनली, टाइम मतलब मिल गया। तो गाइस ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने चश्मा के लिए नहीं बोला, मुझे लगा कि यार चश्मा के लिए बोल देंगे फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, बट बहुत अच्छा हुआ कि चश्मा के लिए नहीं बोले कि आइज़ में एलर्जी हो गया आपको डस्ट की वजह से। तो गाइस अभी मैं स्कूटी चला के आ रहा था ना, तो काफ़ी डस्ट आइज़ में बैठ रहे, तो फटाफट चलते हैं, पहले ठंडे ठंडे पानी से आँख धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर ये जो मुझे यहाँ पर फिर ये जो आई ड्रॉप मिला है वहाँ से ये अपनी आँखों में डालते हैं। तो गाइस पहले चलता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। फेस वॉश कर चुका हूँ, और अभी आई ड्रॉप आँखों में डालते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हो गाइस मैंने फेस वॉश किया है, और आईज अभी बहुत काफ़ी रेड लग रहा है। तो हाँ गाइस फटाफट डालते हैं अभी आई ड्रॉप, और देखते हैं कि उससे क्या असर होता है। यार मुझे फटाफट ये कम करना है, क्योंकि यार 3, 2, 1 सो गाइस मुझे ये मिला है आई ड्रॉप, ठीक है। तो अभी इसको डालता हूँ, 4 ड्रॉप डालना है, एक दिन में 4 ड्रॉप डालना है आँखों में। हाँ दोनों में सेम चीज़ है, तो एक दिन में 4 ड्रॉप डालना है। अब मैं तो पूरा दिन निकाल लिया हूँ, तो अभी फिलहाल आज 2 ड्रॉप डालता हूँ, कल से मैं रेगुलर 4 ड्रॉप डालेंगे, और ये 10-10 मिनट बाद डालने बोला है। डालना है तो पहले एक डालना है, फिर 10 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद ये डालना है। तो 10-10 मिनट की गैपिंग में एक एक ड्रॉप डालना है, ठीक है। तो एक पहले ये वाला ड्रॉप डलवाते हैं, ठीक है डाल दो, आराम से वो देख के डालो, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट के टाइमिंग में 10 मिनट बाद ही मेरे को दूसरा ड्रॉप भी डलवाना था, तो और 3 मिनट बाकी है। तो मतलब ड्रॉप ठीक था, और ड्रॉप से ज्यादा जलन नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है। अभी फिर से बुआ को बुलवाएंगे और फिर डलवाएंगे, बस गाइस फटाफट ये रेडनेस चला जाए मेरे आंखों से। 10 मिनट बाद ये दूसरा ड्रॉप डालना है, सुबह खाना बन गया क्या? बन गया। क्या बनाया खाने में आज? छोला पूरी
वाह यार छोला पूरी। तो गाइस देख सकते हो बुआ हम उसे कितना प्यार करती है। आज मैं बोला बुआ आज खाना खा के जाएंगे तो बुआ मस्त छोला पूरी और बुआ चावल बनाए कि नहीं बना। अरे वाह चावल भी बनाए। तो गाइस सारी बुआ काफी ज्यादा प्यार करती है। सुमन बुआ ले लो, रेनू बुआ ले लो, अर्मीना बुआ ले लो, मंजू बुआ ले लो। तो गाइस काफी अभी फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद फिर निकलना है। भैया अभी फोन कर रहे हैं बार बार। पूरी छोला निकल चुका है। अरे वाह यहाँ पर प्याज भी कटा हुआ है। इसमें नींबू पड़ा है क्या बुआ? नींबू बहुत महंगा हो गया है। वो तो है सही बात है महंगा तो हो गया है लेकिन रखे कहाँ है? रखे कहाँ है? अलमारी के लॉकर में। लॉकर तू आ गया ना तो मैं सोची तू नींबू मांगेगा। अच्छा तो गाइस आप देख सकते हो अभी नींबू का ट्रेंड चल रहा है तो बुआ अभी यहाँ पर एक डायलॉग सीखी है। सीरियल देख के पक्का ही फ्रिज में तो मुझे मिल ही जाएगा। नींबू 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 देख लो ये नक्शा बता रही है मेरे को टोकरी में। सो हे गाइस फाइनली हमने डिनर कर लिया है। अब जाना है अपने रूम पर तो शीमम और मैं अभी निकल जाएंगे क्योंकि गाइस और भैया भी वहां पर पहुंच चुके हैं। फोन कर रहे थे कि तुम लोग कब तक आओगे। लॉक है की तो हमारे पास है तो गाइस फटाफट निकलते हैं। भैया भी वेट कर रहे हैं। एंड गाइस जो आइज का जो रेडनेस है ना वो सच में काफी कम हो गया है तो भी रूम में जाकर एक ड्रॉप जो है वो और डाल दूंगा एक बार और ये ठीक होने में 1 वीक तक मतलब 1 वीक लगेगा क्योंकि जो रेडनेस है वो तो 1 वीक में ही जाएगा। इचिंग जो हो रहा था इसमें वो बहुत कम हो गया है। तो गाइस अब फटाफट निकलते हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:47 तो पहुंचते हैं। हम लोग बुआ के घर से अभी अपने रूम पे आ चुके हैं और गाइस मिलिए भैया जी से। भैया जी कैसे हैं? पूरा दिन कैसा रहा आपका? तो कल है संडे तो भैया जा रहे हैं हाशिम आ रहा क्योंकि जो हमारा पंच है ना उसका सर्विसिंग का टाइम आ चुका है तो भैया जाएंगे वहाँ से लेकर आएंगे। तो गाइस जो भी होगा आपको मैं कल बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके सो गाइस जैसे कि आज आपने देखा कि आज होल डे हमने कैसे स्पेंड किया है तो गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि अब से मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँगा क्योंकि और मैं ये डेली ब्लॉग का सीजन मैं सोच रहा हूँ पहले मैं 10 डेज चैलेंज करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत ही अच्छा लगा गाइस आज का ब्लॉग करके। मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं आप लोग से कनेक्टेड हूँ वो फिर से फीलिंग आ रही है। तो अब से मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग मैं लेकर आऊँगा एंड यहाँ पर रहना गाइस चैलेंजिंग है मतलब सच्ची बता रहा हूँ। खुद उठना टाइम से उठना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग अभी के लिए।